नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हृदय की गहराई से आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट पे। दोस्तों वाकई में आज की जो है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया और खुशखबरी है। यह खुशखबरी वाली नोटिस है क्योंकि आईटीआई वाले छात्रों को यहाँ पर यह जो रेलवे ने एक बेहतरीन नोटिस निकाला है ना, आप इसके सुनने के बाद जो है आप भी खुशी से झूम उठेंगे। लेकिन दोस्तों यह नोटिस पूरी जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण यह नोटिस है कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं आगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से यहाँ पर यह नोटिस जारी हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर रेलवे में जितनी भी वैकेंसीज आती है, यानी पिछली बार जो 2018 की वैकेंसीज आए थी उसमें क्या था क्वालिफिकेशन और अब उसमें क्या बदलाव किया गया है, महत्वपूर्ण यही है। महत्वपूर्ण आपको ध्यान देने की यही ज़रूरत है कि आपको यहाँ पर क्या है, क्या बदलाव हुआ है और यहाँ पर किन छात्रों को रेलवे में जॉब मिलेगा, किन छात्रों को नहीं मिलेगा, कौन से ट्रेड को मिलेगा, कौन से ट्रेड को नहीं मिलेगा। तो पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर ध्यान आकर्षण, रेलवे में लेवल 1 की नौकरी के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। देखिए रेलवे में सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों तथा कैटरिंग प्रभाग में मैट्रिक्स लेवल 1 कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट सहित 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण, यानी यहाँ पर क्या कह रहे हैं इस पैसेज में। तो देखिए यहाँ पर इसमें सीधे सीधे कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर 10वीं, सिर्फ 10वीं नहीं, 10वीं प्लस आईटीआई होना ज़रूरी है या 10वीं प्लस आपका जो है अप्रेंटिस होना ज़रूरी है। सिर्फ 10वीं पास होने से यहाँ पर रेलवे में आपको जो है जॉब नहीं मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट सहित 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण, यानी आपको अप्रेंटिसशिप सहित 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए या यहाँ पर आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर 10वीं पर रेलवे में अब जॉब नहीं मिलने वाले हैं, यह एक आईटीआई के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। इसलिए आप अभी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन हम आपको ज़रूर बताते हैं। हालांकि रेलवे में तकनीकी विभागों में लेवल 1 कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा केंद्रीयकृत रोजगार सूचना क्रमांक 02/2018 एवं RRC 01/2019 के तहत क्रमशः फरवरी 18 एवं मार्च 19 में प्रकाशित अधिसूचित पदों रिक्तियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट देते हुए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या आईटीआई समकक्ष रखी गई है, यानी 18 में रखी गई थी। अभी देखिए यहाँ पर जन साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में यह छूट केवल एक विशेष व्यवस्था तथा केंद्रीयकृत रोजगार सूचना क्रमांक 02/2018 एवं RRC 01/2019 के तहत हो रही भर्तियों के लिए है। रेलवे में तकनीकी विभागों यानी सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों एवं कैटरिंग प्रभाग में पे मैट्रिक लेवल 1 भविष्य में होने वाली भर्तियों जिनकी सूचना 15 जून 2019 के बाद जारी होगी के लिए न्यूनतम, यानी देखिए 15 जून 2022 के बाद जारी होगी के लिए न्यूनतम, यानी इसके लिए बाद जो भी होगा भर्ती उसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट सहित 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण होगी। सभी भावी उम्मीदवार तदवानुसार अपने आप को तैयार रखें, यानी यहाँ पर क्या है
सिर्फ यहाँ पर 10वीं पास होने से आपका जो है यहाँ पर रेलवे में जॉब नहीं मिलने वाली है। आपको या तो अप्रेंटिसशिप होनी ज़रूरी है और उसके साथ 10वीं पास होना ज़रूरी है, या तो आप 10वीं पास होना चाहिए या ITI आपका होना ज़रूरी है। यहाँ पर यह एक क्वालिफिकेशन होगा या तो यह, आपको दोनों में से कोई एक भी यहाँ पर रहेगा तो आप जो है रेलवे में यहाँ पर जो भी भर्ती आने वाली है उसमें आपका जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या आप रेलवे में अगर सपना देख रहे हैं जॉब करने का तो आपको मिलेगा। लेकिन सिर्फ 10वीं पास यहाँ पर कैंडिडेट के लिए रेलवे में अब कोई भी जगह नहीं बची हुई है। तो दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।